पूरी डायलॉग वगैरह बनाए, कुछ एट द स्पॉट भी डायलॉग बनते हैं हमारे, ये रीत सी है। और फिर ज़्यादा स्टडी में टाइम लगा हमें आर्मी की, कि कमांडो कैसे करते हैं, या फिर अगर टॉप सीक्रेट एजेंट है वो क्या करता है, कैसे कर सकता है। जी बहुत आशीर्वाद। पिछली दफ़ा तो एक बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया था, तो हिंद का नापाक का जवाब के दरमियान या किस तरीके का इस फिल्म से आप लोगों तक एक नया मैसेज देने वाले हैं, सबसे पहले तो वो जानना चाहिए। जी सबसे पहले यही बताना चाहते हैं हम कि देशभक्ति का एक जज्बा इससे आपके अंदर बलबले लेगा, पक्का है। और दूसरा ये है कि इसमें हमने बेटियों के लिए बहुत बातें कही हैं कि बेटी कैसी होनी चाहिए, और इस बेटी ने कमांडो का रोल किया है तो नेचुरली एक संदेश जाता है। और तीसरा है रोमांस है इसमें, और हमने कि स्वस्थ रोमांस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप नग्नता दिखाएं, ज़रूरी नहीं अश्लीलता दिखाएं, ऐसा भी पॉसिबल है, तो वो भी आप इसमें देखने को मिलेगा। फिल्म ये फिल्म जो है लायन हार्ट के पहले ही शायद बननी चालू हो गई थी, तो और सर्जिकल स्ट्राइक का एक वो जो कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है, तो वो कैसे किस तरीके से दिमाग में आया? जी जैसे लायन हार्ट बन हम प्रमोशन कर रहे थे, तो उसी दरमियान जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो एक पत्रकार सज्जन हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने बोला गुरुजी सर्जिकल स्ट्राइक पे बनाए ना आप कुछ, तो आप तो महीने में बना देंगे, लोग साल डेढ़ साल लगाएंगे। हमने कहा ओके, तो बस ख्याल आया और हम वहाँ से प्रमोशन के लिए लायन हार्ट वन की दिल्ली से हैदराबाद जा रहे थे, और उसी 2 घंटे में हमने फिल्म की मैंने स्टोरी भर दी, और आके हम लोगों ने 2 दिन में स्टोरी पूरी डायलॉग वगैरह बनाए, कुछ ऐट द स्पॉट भी डायलॉग बनते हैं हमारे, ये रीत सी है। और फिर ज़्यादा स्टडी में टाइम लगा हमें आर्मी की, कि कमांडो कैसे करते हैं, या फिर अगर टॉप सीक्रेट एजेंट है वो क्या करता है, कैसे कर सकता है, किन किन चीज़ों का आसरा लेके वो छुपता है, या मतलब अपने काम को कैसे वो निशाना अपना एम हासिल करता है। तो आर्मी कमांडो से कैप्टन से मेजर से कर्नल से सभी से हम लोगों ने बैठ के बहुत टाइम डिस्कशन किया, कैसी लोकेशन होती है जब आप ऐसा अटैक करते हैं, तो सब स्टडी करने के बाद 29 दिन में ये फिल्म बन के तैयार हो गई। आपके लिए कितना टफ था ये फिल्म? मेरे लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे बन रही थी तो मुश्किल था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मेरे लिए, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसी मूवीज़ में, लेकिन जब पापा ने बताया कि ये वाला टॉपिक पे करना है, तो फिर हमने मैंने और पापा ने बहुत डीप स्टडी करी, पापा ने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे लेना है, ये करना है, फिर उसके बाद ईजी हो गया, और फिर उसके बाद डायरेक्शन को मेरे लिए बहुत ईजी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, क्योंकि काफ़ी कुछ लोकेशंस भी टफ दिखे जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा, तो वो शूट करना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हुआ, या गुरुजी की भी मेहनत कहीं ना कहीं और उभर के आए, वी हैव सीन इट, सो व्हाट वाज द टफ पार्ट? मुश्किल था जब एक जगह हम शूट क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स था, हम सीन शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर डाउन था, और हाँ 3 डिग्री के करीब हम वहाँ टेम्परेचर था, तो हमने वहाँ पे शूट करना था, और पानी के अंदर और पत्थर को हटाना करना, तो पापा ने ये सारा जो बिहाइंड द कैमरा जो पापा संभालते हैं, तो उनको उनके लिए फिर पापा ने कुछ गर्म दूध वगैरह ऐसे भी उनके दिए, जो कर रहे थे जो बिहाइंड द कैमराज पर्सन्स होते हैं उनके लिए वो करना, और जो जो साथ में कोस्ट एक्टर था उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी उसमें, और पापा के स्लीव इतने स्लीव थे, तो उस कंडीशंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शूट करना, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस थी जब हमने शूट किया ये। तो क्या कुछ नए गैजेट्स इस बार हमें देखने मिलेंगे, और बहुत काफ़ी कुछ ट्रेलर में तो देखा, फिल्म में भी और क्या क्या नया इसमें रहेगा, और आपके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट कौन सा था, गन चलाना या व्हाट एल्स? क्योंकि हम नेशनल लेवल के गन शूटर हैं, तो नेचुरली वो कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल था कि हाँ बाइक पे रियल में 60-70 फीट ऊपर जाना है, तो वो लग रहा था कि हाँ ये कुछ मतलब चैलेंजिंग है, या फिर गाड़ी में बैठ के बहुत लंबा सफ़र हाइट पे जाके, या फिर हेलीकॉप्टर में जो ऊपर जाके और चलाना और वो सब करना और इतनी हाइट पे जाना, और वो अपने आप में बहुत मुश्किल था, लेकिन जब किया तो फिर पता था कि हाँ स्टंट कर सकते हैं ईश्वर की कृपा से, और वो होते चले गए। पर चैलेंजिंग अगर कहें तो यही बाइक को लेके जाना और गाड़ी। ऐसा लगता है कि हर फिल्म के साथ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आप ब्रेक करते जा रहे हैं, ट्रेलर के साथ आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्या लगता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद भी कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड आपका? ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा, क्योंकि जो MS जीत लायन हार्ट वन थी वो बर्लिन फेस्टिवल के लिए चुनी गई है, जर्मन में टॉप 15 में उसका ट्रेलर आया था, और इस बार भी हमें लगता है कि जो 5 एशिया बुक रिकॉर्ड बन गए हैं इस फिल्म के नाम, इस सबसे ज़्यादा लोगों ने ट्रेलर देखा, लॉन्च हुआ, इसके स्टेप किए, इसमें फिर
सॉन्ग आया जंग है मेरी आतंकवाद से, 2,75,00,000 लोगों ने एक साथ, और इसके साथ बेटी ने जैकी चैन का रिकॉर्ड तोड़ा 22 क्रेडिट ने भागे और हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, 30 था वो 43 करके, तो वो उसके 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम बने, इसके नाम हमारे नाम, तो 5 रिकॉर्ड बन गए हैं। और ब्राइट ने अभी अभी हमें एक वो भी अवार्ड दिया है, तो वो भी बड़ी खुशी हुई कि 3 का जो उन्होंने बेस्ट एक्टर हमें माना, तो बड़ी खुशी है कि इसमें भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम फिल्म बनाते हैं जब हमारा असली अवार्ड जो है वो यूथ है, जो ड्रगी है, जो थोड़ा कमज़ोर है, जो नेगेटिविटी का शिकार है, जब वो लोग हमारे पास आते हैं और वो सुधर जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें अवार्ड मिल गया, जो चाहिए था, हमारे बच्चे सुधर रहे हैं, बेसिकली हमारा मकसद यही। पिछली फिल्म में थोड़ा बहुत रोमांस भी करते हमने देखा, लेकिन इस दफ़ा एक बहुत अच्छा रोमांटिक नंबर भी है, आप खुद गा रहे हैं, तो वो सीक्वेंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितना टफ था या काफ़ी एक्साइटमेंट रहा वो आपकी? जी काफ़ी टफ था, मुश्किल था, क्योंकि बेटी डायरेक्ट कर रही है और फिर सामने उस बच्चे से जो बेटियों के साथ पढ़े हैं और जो हमें पापा ही कहते हैं, क्योंकि हमें 6 करोड़ लोग, इतना भी यूथ है, पिताजी एज ए फादर गुरु को जैसे माना जाता है तो हमें पिताजी ही कहते हैं, तो वो बच्ची भी पिताजी ही कहती है, तो उसको सिखाना, पहले ट्रेंड किया कि नहीं बेटा हम पापा हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो फिल्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये एक्ट करना है, तो उसके लिए फिर उसको, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है, न्यू फेस, तो उसको ट्रेंड किया, फिर उसके साथ शूट किया और वो चीज़ें करना तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर जैसे जैसे होता चला गया और बेटी भी उसको सिखाती रही, नहीं तो फिक्र मत कर, क्योंकि लड़कियां लड़की को सिखाए तो वो बड़ा आसान हो जाता है, पापा को फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो फिर वो आसान होता चला गया। और आपने गाया भी है? जी हाँ। तो वो एक गायकी में एक नया एक अंदाज आपका, एक रोमांटिक अंदाज, तो अनिल जी पूरा जस्टिफाई किया गुरुजी ने आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, जितना डेप्थ सॉन्ग में मुझे लगता नहीं, आपने भी सुना होगा कि पूरा जस्टिफाई मुझे लगता है, रोमांटिक सॉन्ग है तो पूरा रोमांटिक, वैसे क्या थैंक यू फॉर दैट आया तो वो आजकल के यूथ की वो बहुत पसंदीदा सॉन्ग बना हुआ है, थैंक यू फॉर दैट जो रिलीज हुआ। और जो सिस्टर मिल गया उसकी बहुत सारी वीडियोज आई हमारे पास, विदेशों से भी आई, भारत से भी आई, तो लोगों को बड़ा मतलब अलग अलग तरीके से लोग उसको ले रहे हैं, रोमांटिक अंदाज से ले रहे हैं, कहीं सोए हुए थे उनको मतलब उसकी माँ कहती उठो बच्चों, नहीं उठते तो वो सॉन्ग लगाए तो वो उठते हैं, उनके पसंदीदा इतना है कि अलार्म बन गया उनके लिए, और बहुत कुछ उसमें हमें वीडियो में देखा कि फॉरनर उस पर डांस कर रहे हैं, सिस्टम हिल गया, कोई कैसे हिला रहा है, तो कि मतलब अच्छा लगा, लोगों को बहुत पसंद है। और अभी जो नया सॉन्ग आया है तो वो भी हमें लगता है मेलोडी है, लोगों को बहुत पसंद आए। तो वैलेंटाइन डे भी आ रहा है तो क्या लगता है ये सॉन्ग और बूस्ट करेगा, और कुछ मैसेज आप अगर खास अगर आप अपने फैंस को देना चाहेंगे इस वैलेंटाइन पे, और जिस तरीके की वारदातें भी होती हैं वैलेंटाइन को लेके, कुछ पार्टियां जो कपल्स को भी तंग करते हैं और काफ़ी कुछ, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उसके? हम कपल को ये कहना चाहेंगे कि शरेआम आप जो चीज़ें गलत करते हैं, प्यार की एक हद होती है, स्वयंवर रचने वाली हमारी संस्कृति है, हम किसी को प्यार से रोकते नहीं, लेकिन प्यार की आड़ में जब आप यूज एंड थ्रो हफशीपना करने लग जाते हैं वो सीमा नहीं पार करनी चाहिए, आप प्यार कीजिए कोई रोकता नहीं है, आप प्यार के लिए एक दूसरे को चुनिए ये भी कोई रोकता नहीं है, और लेकिन जब आप गलत स्टेप उठाते हैं या एक प्यार करने का एक तरीका है, ये नहीं है कि आप शरे बाजार या शरे आम जैसे फॉरन में लोग होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि फॉरन में जो लोग शरेआम प्यार करने लगे थे किसी से करते तो क्या होता है, वहाँ ये हुआ है कि 100 में से 90% शादियाँ टूट चुकी हैं, बच्चों को अपने माँ बाप का नहीं पता कि क्योंकि उसके पापा ने 10-10 शादियाँ करके छोड़ दी, अब कौन से वाला पापा उनके हैं, उनकी माँ ने भी ऐसे ही किया, तो ये बड़ी दिक्कतें हुई खड़ी हैं और शादियाँ टूट चुकी हैं, पशु पक्षी उनके बेटे बन चुके हैं, तो क्या आप उनको फॉलो करेंगे या हमारी संस्कृति को? तो हम नहीं चाहते कि आप प्यार करना बंद करें, लेकिन प्यार को शरेआम नीलाम करना बंद कर दें, और आपसे गुजारिश है कि प्यार की एक सीमा होती है, प्यार एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होता है, प्यार एक दूसरे के लिए भगवान होता है कि मैं तेरा सहारा हूँ तू मेरा, एक दूसरे का सम्मान करना होता है, प्यार एक दूसरे का साथ देना होता है, प्यार एक दूसरे के साथ इंजॉय करना होता है, प्यार समाज को बदनाम करना नहीं होता, प्यार को बदनाम करना नहीं होता, तो अगर आप ये बातें मानेंगे तो हमें लगता है आपको कोई तंग नहीं करेगा। आने वाले समय में क्या कुछ जवानों के लिए भी आपने सोचा है कि जिस तरीके से फिल्म के जरिए आप एक सोशल कॉज को हमेशा आगे लेके जाते हैं, तो कुछ आगे भी जवानों के लिए खास अगर? जी हाँ जी, हमने 6 साल से इंडियन आर्मी को ब्लड देते आ रहे हैं, टोटल जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनका हेलीकॉप्टर आता है, जितना उनको ब्लड चाहिए आश्रम से लेके वो चले जाते हैं, ये तो चल ही रहा है, लेकिन हमने साथ में ये इस बार 3.25 करोड़ लोगों ने ये बर्न किया है
कि अगर कोई सैनिक मालिक ना करे शहीद हो जाए तो उसका पूरे परिवार का साथ देना, उनका बेस बना के देना, दुकानदारी करवाना या जो भी करवा के छोड़ेंगे, या किसी के अंगहीन हो गया तो उसका कृत्रिम अंग पे जो खर्चा आएगा इलाज करवाएंगे, और अगर कोई शहीद होता है तो उनके परिवार को भी हम कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे, साथ देंगे। जैसे कल एक परिवार आया था आर्मी जो धूरी अटैक में उरी अटैक में जो शहीद हो गए थे, तो उनके परिवार को 1 लाख का चेक हमारी तरफ से दिया गया कंपनी की तरफ से। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई, कंपनी भी जो पैसे कमाएगी, पहले हॉस्पिटल बनाया है और अब भी वो इस राह पे चल पड़ी है। तो हमें लगता है ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है, जो अगर सब लोग मिलके करें। एक लास्ट सवाल, लड़कियों के लिए भी खास आपने कुछ मैसेज रखा है इस फिल्म के जरिए, वो आप अगर थोड़ा सा बता दें और जाते जाते दर्शकों को कुछ अगर इसमें एक डायलॉग है जो हम बेटियों के लिए बोलते हैं कि वहाँ की एक लड़की होती है पाकिस्तान की, तो वो कम कपड़ों में होती है, तो वो कहती है मैंने शहर जाना, तो हम कहते नहीं ऐसे कपड़ों में, तो वो कहते नहीं आप ऐसे 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 काफ़ी कुछ बोलती, तो हम बदले में कहते कि हमारे देश में, अरे अरे नहीं नहीं हमारे कबीले में लड़कियों को हीरा कहा जाता है, और हीरे को खुलेआम नंगा नहीं छोड़ा जाता, ढांप के रखा जाता है। जी, थैंक यू सो मच।